हेलो फ्रेंड्स, द प्रोग्रेस न्यू ब्लॉग में आप सबको बहुत सारा वेलकम। और आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए दोस्त हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरा ब्लॉग बनाने का मोटिवेशन बढ़ा रहे। सो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग के साथ में। ये मैं बनाने वाली हूँ कर्मी साग, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है। ये साग थोड़ा खट्टा खट्टा और बहुत ही टेस्टी है, और हेल्थ में भी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, इसको ज़्यादा देर नींबू पालने से भी हो जाएगा। अब ये पक गया है, तो आलू को जो है मैं थोड़ा टाइम और पकाऊंगी, लेकिन ये अब पक गया है। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी से रख दिया है इसको। और यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, लहसुन और सूखा हुआ चिली। केला ले लिया है, और इसमें है प्याज, खुसानी। तो थोड़ा सा मैं बेसन ले रही हूँ, बेसन। Thank you.
तो यहाँ पर मैंने ले लिया अदरक लहसुन हरा मिर्च और टमाटर। यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन अदरक और खुरसानी और हल्दी मसाला सब्जी मसाला और जीरा पाउडर डाल दिया है। मस्टर्ड सीड जो कि पीस के रखा हुआ है, तोरी दाना, तो ये दोनों मसाला यूज़ करूँगी सब्जी पे। तो देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह का लग रहा है ये केरा का, और ये आलू जो था उबाल के मैंने कुछ इस तरह से कट लगा कर रखा है। तो दोनों को तोरी दाना तो ये रहा मसाला जो कि मैंने तोरी दाना जो है डाल दिया है और खुरसानी। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये बॉल ये केला का ये बॉल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। ये फ्रेंड आज का लंच कुछ इस तरह से बनाया है, ये साग का सब्जी और ये केला का सब्जी जो कि मैंने न्यू स्टाइल में बनाया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। तो देखिए फ्रेंड आज का थाली कुछ इस तरह से है, यहाँ पर साग का सब्जी, कर्मी साग का सब्जी और ये रहा केला का सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी स्मेल आ रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी में भी एक नंबर। तो आज का थाली कुछ इस तरह से बनाया है। Thank you.
लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो अच्छा लगने से इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरा ब्लॉग बनाने का मोटिवेशन बना रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके बाय, थैंक यू।